तो जो इस साइड के अंदर ये बोरियां पड़ी दिखाई दे रही है और नीचे जमीन पे खुले भी बहुत चावल पड़े, तो ये जितने भी यहाँ पे चावल पड़े ये छिलके के अंदर है, तो इनका छिलका भी यहाँ ही साफ होता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये पूरे चावल पड़े, तो इन चावल में देखो ऐसे हल की तरह हल चला दिया है, पूरे चावलों में ही हल हल की तरह। तो यहाँ पे बना रहे धोरी की, पहले के लोग खेतों में अक्सर ऐसी धोरियाँ बनाते थे, मतलब पानी सींचते थे, मारवाड़ी भाषा में तो ऐसे पानी सींचते थे जैसे धोरी बना रहे। लमसम बोरियाँ तो सिल भी दिए बोरियाँ भर भर के। तो यहाँ पे पहले कितने चावल पड़े थे, ये जैसे चावलों की मैंने धोरी दिखाई थी तो वैसे वैसे बोरियाँ पड़ी है। हकीकत में गाइस आज मैंने खुद ने पहली बार इतने इकट्ठे चावल देखे एक साथ में, एक टन, दो टन, दस टन, पचास टन, पता नहीं कितने टन है, मेरे खुद को मालूम नहीं, मैं अनुमान ही नहीं लगा सकता कि ये माल इतने टन हो सकता है। तो यार इधर चावल साफ हो रहे हैं अंदर, तो यहाँ पे देखो कितने सारे चावल है। हमारे घर में तो 1 kg, 2 kg, 5 kg इससे ज्यादा ऊपर चावल कभी नहीं लेके आए, यहाँ पे पता नहीं 1 टन, 2 टन, 10 टन। तो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, फिर वीडियो को लाइक। तो आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, बहुत ही ज्यादा चावल दिखाने वाला हूँ आज आपको मैं, मतलब बहुत ही ज्यादा, 1 टन, 2 टन, 5 टन, 10 टन नहीं, बहुत ही ज्यादा। जितने भी कट्टे दिखाई दे रहे हैं सब चावल के, ये तो कुछ नहीं है, अंदर जाके दिखा के आऊंगा, बहुत ही ज्यादा चावल। तो जैसे कि इस साइड में गाड़ी खाली हो रही है तो ये लोग कर रहे हैं, तो गाड़ी से अंदर से बोरियां निकाल निकाल के यहाँ बाहर ला ला के रख रहे हैं। तो मैं चावल की बोरियों के ऊपर आ गया हूँ, तो इधर खाली कर रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं खाली कर करके। देखो गाइस कितनी गर्मी हो गई, मतलब जो ऊपर ये छत है, ये छत ट्रेनों की बनी हुई है, और हाथ भी देख लो बिल्कुल काले हो गए। तो जैसे कि हमारी गाड़ी के अंदर कम से कम 700-750 कट्टे लोड, तो ये लमसम माल बिहार से आया हुआ है, जितने भी चावल है, तो इन चावलों से, तो इन चावलों को यहाँ पे साफ कर रहे हैं, मतलब थोड़े बहुत गंदे हैं इनको साफ कर रहे हैं, तो आपको मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे गाड़ी ब्रेक किया था, देखो बिल्कुल ही जगह नहीं है, तो हमारी गाड़ी डायरेक्ट अंदर ही खाली होगी। तो यार इधर चावल साफ हो रहे हैं अंदर, तो इस साइड में देखो चावल का ढिगला लग गया है, ये बिल्कुल साफ कर रहे हैं, जो ऊपर का वो छिलका है वो छिलका बिल्कुल यहाँ पे उतार दिया। इतने सारे चावल हमारे घर में तो 1 किलो 2 किलो चावल मिलते हैं, यहाँ पे देखो टनों पे है, टनों पे। तो यहाँ पे देखो कितने सारे चावल है, हमारे घर में तो 1 kg, 2 kg, 5 kg इससे ज्यादा ऊपर चावल कभी नहीं लेके आए, यहाँ पे पता नहीं 1 टन, 2 टन, 10 टन, 50 टन कितना माल पड़ा है यहाँ पे, और ये माल मतलब साफ करके ऐसे बोरी के अंदर पैक किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी बोरियाँ भी पड़ी है, तो इधर भी देख के आते हैं क्या चीज़ है ऐसी। भाई साहब अंदर पूरा चावल ही चावल का गोडाउन है, इधर बोरियाँ ही बोरियाँ पड़ी है, सामने मेरे को चावल के कट्टे दिखाई दे रहे हैं उधर। तो ये मशीनें तो अभी बंद है, अच्छा वहाँ बंद आ तो मैं आपको दिखा दूँ पूरा, मतलब ऐसी फैक्ट्रियाँ ज़्यादा चालू रहती है तो गद्दा वर्दा ज़्यादा उठता है, इसमें चावल ही चावल पड़े, बाप रे बहुत कट्टे, वो अंधेरा भी बहुत है, पहले लाइट करते हैं। यस अब कुछ दिखाई देने लगा, इस साइड में भी कट्टे, वो गाइस कितने कट्टे, ये रहे चावल, ये जो चावल है कुछ अलग ही चावल है, बाप रे इतने कट्टे, ओहो पूरा गोडाउन भरा गाइस कट्टों से, मैं कहाँ फंस गया समझ से नहीं आ रहा मेरे को, चलो बाहर चलते हैं पहले। हकीकत में गाइस आज मैंने खुद ने पहली बार इतने इकट्ठे चावल देखे एक साथ में, 1 टन, 2 टन, 10 टन, 50 टन पता नहीं कितने टन है, मेरे खुद को मालूम नहीं, मैं अनुमान ही नहीं लगा सकता कि ये माल इतने टन हो सकता है। भाई मेरे को सबसे अच्छा सीन लग रहा है यहाँ का, चावल देखो कैसे आ रहे ऊपर से, ओ 1 kg, 2 kg, 20 kg घर लेके चला जाऊंगा, हकीकत में बहुत अच्छे चावल, घर वाले खाएंगे तो याद करेंगे कि क्या लेके आया, चावल लेके आया। मेन मशीन यही है, ये मशीन चल रही है, और ये जितने भी नीचे चावल आ रहे हैं, तो यहाँ पे चक्की है, ये चक्की का नाला है, नाले से कट्टे में आ रहे हैं और कट्टे कर रहे हैं पैक। देखो बहुत सारे ऐसे चावल के दाने तो फूट ही गए, क्योंकि जब साफ होते हैं ना चक्की के अंदर तो फूट जाते हैं कभी कभी बार। भाई बिल्कुल वाइट चावल हो गए, इस साइड आ रहा जो चावल का पाउडर है वो पाउडर जा रहा है नीचे, देखो उस साइड में टिकला हो रखा है आगे, पूरा फ्रेशर मशीन है भाई, क्या करूँ सऊँ बोल रही। तो अब हमारी गाड़ी खाली होगी तो यहाँ पे होगी डायरेक्ट, कट्टे कट्टे यहाँ पे खाली करेंगे, अंदर लेके जाएंगे फिर। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कट्टे पड़े क्या बताऊँ,
जैसे कि इस गोडाउन में जो चावल का माल है बिल्कुल मतलब साफ चावल है, वाइट चावल है। तो जो इस साइड के अंदर ये बोरियां पड़ी दिखाई दे रही है और नीचे ज़मीन पे खुले भी बहुत चावल पड़े, तो ये जितने भी यहाँ पे चावल पड़े ये छिलके के अंदर है, तो इनका छिलका भी यहाँ ही साफ होता है। ऐसे देखने में तो इनका कलर गेहूँ का और जौ की तरह दिखाई दे रहा है, भले ये इनके अंदर चावल ही है पूरे, तो इनके अंदर पूरे चावल ही चावल है, ऊपर छिलका लगा हुआ है। मैंने सुबह सुबह एक दो चावल के छिलके उतार के देखे थे, बहुत वक्त मेरे हाथ भी दर्द करने लगे। तो यहाँ पे देखो ये लोग ऐसे मेहनत कर रहे हैं, इनको सुखा रहे हैं, और अभी बारिश आ जाए तो ये लोग इतने सारे अनाज को कैसे इकट्ठा करेंगे वो भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो इतनी सारी बोरियाँ पड़ी है, जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वहाँ बोरियाँ दिखाई दे रही है, गाड़ियाँ भी खड़ी है बहुत सारी। तो यहाँ पे फैक्ट्री का काम भी चल रहा है। तो ये जो है ये प्लेट है, जैसे कि हम कम से कम हमारी गाड़ी में 5-10 बार लोड कर लिया, जब मैं पहले गाड़ी पे रहता था उस गाड़ी पे बहुत बार ऐसी प्लेटें लोड की थी। तो सामने मेरी गाड़ी है, अब हो गई अनलोडिंग, तो रस्सा तिरपाल सब काम कर दिया, कलेर है हमारी तरफ से। तो यहाँ पे जैसे कि ये पूरे चावल पड़े, तो इन चावल में देखो ऐसे हल की तरह हल चला दिया, पूरे चावलों में ही हल हल की तरह, तो यहाँ पे बना रहे धोरी की तरह। पहले के लोग खेतों में अक्सर ऐसी धोरियाँ बनाते थे, मतलब पानी सींचते थे, मारवाड़ी भाषा में तो ऐसे पानी सींचते थे जैसे धोरी बनाए। बिल्कुल पूरी जो नीचे का फर्श है फर्श को सुखा रहे ये लोग, जैसे ये नीचे का फर्श है तो ये फर्श मतलब चावलों की ओस से गीला हो गया, तो इस फर्श को सुखा रहे। भाई हकीकत में कैसा लग रहा है, इतने चावल पहली बार देख रहा हूँ, हकीकत में कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो चावल है इन चावल को सबको बोरियों में भरने वाले, देखो हकीकत में इनकी धोरी बनाने की स्टाइल, हकीकत में कैसे बना रहे देखो, एक बंदा इधर से खींच रहा है, एक बंदा इधर से खींच रहा है, 2 मिनट में धोरी खले यहाँ से लेके वहाँ तक, 2-3 मिनट में लास्ट धोरी बना दिया इन लोगों ने। तो यहाँ पे बोरियाँ भरना कर दिया स्टार्ट, लमसम बोरियाँ तो भरी दी है और भर रहे हैं और भी। भाई हकीकत में इनकी बोरी भरने की स्पीड देखो, ऐसे बोरियों की लाइन लग गई है, लमसम बोरियाँ तो सिल भी दिए बोरियाँ भर भर के। तो यहाँ पे पहले कितने चावल पड़े थे, ये जैसे चावलों की मैंने धोरी दिखाई थी तो वैसे वैसे बोरियाँ पड़ी है। मतलब इधर जो बंदे चावल भर रहे हैं, मतलब 1 मिनट में 2 या 3 बोरी एक बंदा भर रहा है, 3 बोरी की लमसम। भाई हकीकत में यहाँ पे कितनी बोरियाँ दिखाई दे रही है, ये सब चावल ही चावल है, छिलके वाले चावल है। इनका जो ऊपर का छिलका है वो अलग कर देंगे तो फिर बिल्कुल साफ चावल निकल जाएंगे। तो उधर जाके देखते हैं हमारी गाड़ी भी खाली हो रही है या नहीं, और ये लेबर वाले क्या कर रहे हैं। तो अभी करीबन टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं, तो अब हमारी गाड़ी खाली होना स्टार्ट हो गया। तो लेबर वाले इतनी देर पहले एक दूसरी गाड़ी खाली कर रहे थे, उसमें बहुत टाइम लग गया इन लोगों को। तो ये लोडिंग करने के, अनलोडिंग करने के, अलग अलग काम करने के लिए यहाँ पे अलग अलग बंदे। तो गाड़ी खाली होना हो गया स्टार्ट, तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे कर देंगे। तो ये जो चावल के कट्टे अंदर लेके जा रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से काट के, जैसे कि यहाँ पे इस चावल के कट्टे को काट दिया, फिर जो यहाँ पे नीचे जाली लगा के टैंक बनाया हुआ है इस टैंक के अंदर डाल रहे हैं। यहाँ पे ये चावल साफ होता है, जैसे कहीं कहीं से चावल ये गंदे हैं ना, ये साफ होते हैं यहाँ पे। तो करीबन इन लोगों को 5 या 10 मिनट लगी है, पीछे पीछे से करीबन 60-70 कट्टे उतार दिए गाड़ी के। अभी देखो खुद में जो ये चावलों की बोरियां हैं, इन बोरियों को यहाँ से नीचे कूद कूद के जा रहा हूँ। अब देखो ऐसे 5 या 6 फीट है। अभी करीबन टाइम हो रहा है शाम के 6 बजे और मैं आया हूँ ये जो चावलों की बोरियां हैं इन बोरियों के पास। तो एक बार मैं आपको बैक कैमरा करके, मतलब ये जो बोरियां पड़ी है चावलों की, ये बोरियां दिखाता हूँ। हकीकत में गिनने वाला भी गिनते गिनते भूल जाएगा, इतनी बोरियां पड़ी है यहाँ पे, 1000-2000 पता नहीं कितनी बोरी है। हकीकत में गाइस बोरियां हर जगह। तो मतलब इस साइड की लमसम बोरियां सिल दी है और आगे की साइड में भी लमसम बोरियां सिल दी है। तो जो ये पोल है, इस पोल के आगे आगे ये जितने भी बोरियां हैं ये अभी तक नहीं सिली है, तो इसके अंदर ये सिलके वाले चावल डाले हुए हैं, बहुत टाइम लगेगा ऐसे। तो जो आगे का गोडाउन है, इस गोडाउन में मेरी गाड़ी खाली हो रही है, तो चलो देखते हैं कितना खाली हो गया,
इतनी देर पहले तो मैं बाहर गया था चाय वाय पीने के लिए। करीबन एक घंटा और लग जाएगा इनको, 8-10 बंदे हैं कुल। वो लमसम कट्टे तो चावल के फट भी गए, हमारी गाड़ी के अंदर ही फट गए थे। देखो वो जैसे कि वो कट्टा है वो फटा हुआ है, तो इस कट्टे को यहाँ पे वो पूरा फट गया। ओ भाई। तो गाइस इधर ये जितने भी कट्टे पड़े हैं ये सब खाली कट्टे, अंदर से खाली करके कट्टे को यहाँ डाल रहे, डिगला लगा दिया एक साइड कट्टे का, खाली खाली कट्टे रख रहे हैं। तो गाइस मैं पहले कट्टों के ऊपर बैठा था, तो इनने बोला भैया ऐसी बात नहीं है, कट्टे गिर भी सकते हैं। अब जैसे जैसे कट्टे की दांग कम होने लगे तो कट्टे इधर से उधर गिर भी सकते हैं, आप नीचे उतर जाओ। तो मैं नीचे उतर गया हूँ। तो यहाँ पे देखो ट्रॉली में नीचे चावल ही चावल हो रखे हैं, खुले चावल बिल्कुल, कट्टे फट गए ऐसे, ये देखो कट्टा फटा हुआ है पूरा। ओ भाई ये देखो भाई कट्टा फट गया। तो कम से कम 3 घंटे लगे हमारी गाड़ी खाली होने के अंदर, कम से कम 180 मिनट। तो कंटिन्यू मेहनत की थी, 10 बंदे थे सामने वाले। तो हमारी गाड़ी के अंदर जितने भी चावल के कट्टे थे सब उतार दिए। तो जैसे कि गाइस हमारी गाड़ी के फर्श पे चावल पड़े थे, तो वो चावल एक लकड़ी की फंटी बनाई हुई है, इस फंटी से खाली कर रहे हैं, मतलब हाथों से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये कोई मशीन नहीं है, ये देसी सुविधा है, देसी फ्री सुविधा है, इसमें ना डीजल जलता है ना खर्चा होता है, केवल मेहनत होती है। तो आगे आगे से ट्रॉली तो बिल्कुल साफ कर दिया, नीचे देखो डिगला लग गया खुले चावलों का, कम से कम 10 क्विंटल चावल खुले हो गए, कट्टे फट गए थे, कम से कम 20 कट्टे फट गए, पेपे भर भर के डाल रहे नीचे। भाई सबसे अच्छा तो ये है, इसे बहुत चावल एक बार में इकट्ठे खाली हो रहे देखो। तो गाड़ी का पीछे का डाला भी बंद कर दिया, ये देखो खुले चावल कितने हो गए। तो अब हमारे को बढ़ाना है गाड़ी को आगे, तो फिर यहाँ पे ये लोग देंगे हमारी गाड़ी के खाली करने के कागज और हमारा भाड़ा। तो हमारा जो गाड़ी है खाली गाड़ी है, खाली गाड़ी को लेके आए कांटे पे, तो हमारे ड्राइवर तो गए सामने कांटे का वजन करवाने के लिए, सामने होटल है, मैं लेके आता हूँ ये पानी की बोतल। तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा है रात की 11:30, तो इतनी देर पहले मैं गाड़ी के अंदर सो रहा था, तो मेरे को बहुत तेज़ जुकाम हो रखी है। तो गाइस हमारे साथ रोज न रोज एक ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी किराया नहीं मिलता है, कभी गाड़ी लोड नहीं होती है। तो ना तो आज हमारे को गाड़ी के कागज़ मिले, ना अभी तक किराया मिला है। तो आज हम आने को मिल जाता तो सुबह तक हम राजस्थान पहुंच जाते। तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब, फिर वीडियो को लाइक। तो चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलती है नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।